देश में सिर्फ एक ही चर्चा है, इस बार लोकसभा चुनाव में कौन आ रहा है, इंडिया गठबंधन या मोदी सरकार। इस चुनाव में ये जो सीट है उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर क्या माहौल है, यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी है, वो खुद आने वाले हैं यहाँ पर। पहली बार ऐसा हो रहा है पीएम बनने के बाद वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं और रैली करने आ रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं इनके अंदर कितना उत्साह है उन्हें लेकर और इस बार क्या लग रहा है, इस सीट पर क्या होने वाला है। क्या नाम है? हरनाम सिंह। कहाँ से आए? अहमदाबाद से, नानक देव गुरुद्वारा। क्या लग रहा है इस बार इस सीट पर कौन जीत रहा है? बीजेपी। मोदी। बीजेपी। मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी क्षेत्र से है और भारी मतों से जीतेंगे बीजेपी। बोलो जय श्री राम। क्या क्या वजह है उनके जीत? वजह है कि विकास, विकास अच्छा काम किया है इसलिए इसको वोट मिलेगा। अच्छा, इस सीट से जो है कन्हैया कुमार भी, उनकी कितनी चर्चा है यहाँ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या लग? कन्हैया कुमार का कुछ नहीं है, कन्हैया कुमार यूं ही है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कितनी सीटें बीजेपी की? दिल्ली में सातों की सात सीटें आने वाली है। क्यों ऐसा लग रहा है कि सातों की सात सीटें? भाई साहब, जो मोदी जी ने काम किया है 2014 के अंदर, सबसे पहला काम क्या था उनका? महिलाओं को शौचालय, सबसे बड़ा काम वो था। जो एक सोच होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री की, नीचे से शुरुआत उन्होंने की है। ये जो शुरुआत है छोटी शुरुआत नहीं है, बहनें माताएं जो हमारी पीड़ित थी आज उनको शौचालय दिया। दूसरा सबसे बड़ा काम जो घर घर सिलेंडर दिए, सिलेंडर बहुत बड़ी व्यवस्था है, जल और नल ये चीज़ें पहुँचाई गई हैं। तो ये गरीबी जो है ना लोगों की खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे और लोगों को उठा रहे हैं ऊपर को। करोड़ोंपति बहनें, लाखों लखपति बहनें ये कैसे बन रही हैं? इसीलिए बन रही हैं कि एक भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार को कंट्रोल कंप्लीट हो रहा है, उसको कंट्रोल में कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, इस सीट से क्या लग रहा है, यहाँ से मनोज तिवारी या कन्हैया? मनोज तिवारी जीतेगा। कन्हैया कुमार एक उस टाइप का आदमी है, से जीतेगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? अब भीड़ नहीं देख रहे, ये सब सपोर्टर्स हैं, ये सब लोग सारे सपोर्टर्स हैं उसके, वोट सब उसके उसी को देंगे। वोट वोट के कन्हैया लाल जो कह रहा था ना, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, ये हम शर्मिंदा है, ये बहुत बड़ी, ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी, ये हिंदुस्तान है, ये उसको जवाब मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? मोदी, मोदी जी। कितनी सीटें आएंगे? 400 पार। 2014 में जो लीड मिली थी तो 2019 में मिली और अब के उससे ज्यादा लीड से जिता के भेजेंगे और तीसरी बार सशक्त भारत में मोदी जी की सरकार बनने वाली है और ये 400 पार होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी? जीरो। सारी सीटें हमारी है जी, बीजेपी की। क्या वजह है इस, कितना काम किया है? देखो, काम जो किया है आपके सामने किया है, जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में महिलाओं का सशक्तिकरण करवाया उन्होंने, नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। हमारी जो गांव की महिलाएं थी उनके लिए देखो टॉयलेट नहीं था, वो खेतों में और खलियानों में कहीं सुबह सुबह उठ के जाती थी। अगर उनको दिन भर में अगर माना जाना है कहीं तो शर्म के मारे वो जा नहीं पाती थी कि हमें कोई देख लेगा, तो उनको शाम होने तक का इंतज़ार करना पड़ता था, ठीक है। जैसे शाम होती थी तो वो महिलाएं तब वो अपने घर से तब निकलती थी कि अपनी सेवा से निवृत्त हो जाए, कितनी परेशानी की बात थी। अब मोदी जी ने जो करवाया है, घर घर में लाइटिंगें बनवा दी है, ठीक का काम बोल रहा है। काम पे मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये जो जिस पप्पू को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, चलने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा? रैली में चलते चलते खड़गे जी की जागेड़ में नाक पोस देते हैं, उन्हें इतनी अकल नहीं है कि मीडिया हमारे पीछे लगी हुई है और वो कहते हैं हम देश का प्रधानमंत्री बनिए। जिनको स्मृति रानी ने अमेठी में इन्होंने गोद ले रखा था, हमारी बहन दीदी ने हरा दिया, आज वो वायनाड से भी भक्के रायबरेली गए, वहाँ पे भी पब्लिक ने भगाया, वहाँ से भी हारेंगे और अब की बार 400 पार। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि रायबरेली हारेंगे? वो तो बहुत सोच समझ कर वहाँ उन्हें अपनी वायनाड पे भी भरोसा नहीं है, उन्हें वायनाड पे भी भरोसा नहीं है, जब तो रायबरेली बक्के गए, उनकी माँ को डर लग रहा है कि मैं यहाँ से हारूंगी, इन्हें बेटे को आगे कर दिया, अब बेटा भी हारेगा, वहाँ की जनता नहीं उन्हें नहीं घुसने दिया। और दिल्ली में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी? क्या दिल्ली में सातों की सात। इस सीट की अगर बात करें जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार को कल मेरे दीपक भाई ने मारा है, बोलते थे
12 तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कल दिखा दिया उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या होता है। सही किया क्या उन्होंने? क्या उन्होंने जो आप कह रहे मारा है उन्होंने सही किया? सही किया वही भारत में रहकर ये बोलेंगे 12 तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो हमारे आर्मी पे सवाल उठाएंगे। बात सही और गलत की नहीं है, लेकिन जो कहा उनने सब ये महा अपराध है। और कांग्रेस ऐसे ऐसे बंदों को टिकट देती है, यहाँ पे खड़ा करना टिकट देना ये महा भी पाप है। कांग्रेस नाम पे कलंक है, बिल्कुल कलंक है, क्योंकि टिकट देने मारने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा मारा ये गलत है, लेकिन ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, हिंदू के प्रति नहीं बोलने। जैसा कि आपने देखा कि इस सीट से लोगों की अपनी अपनी राय है, कन्हैया कुमार हो या मनोज तिवारी को लेकर, कन्हैया कुमार के बारे में भी लोगों ने जिस तरीके से अपनी अपनी राय दी है हमने आपको दिखाया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का उत्साह लोगों के अंदर आपने देखा, और ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने वाली है और दिल्ली में कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए TV9 Digital।